Hey guys, welcome back to another vlog. वेलकम करने से पहले हम चेंज कर लें और कैमरा भी गंदा लग रहा है थोड़ा सा. हाँ जी, तो वेलकम है आपका इस नए व्लॉग में. अब हम रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं सेक्टर 16 ग्राउंड में. एंड थैंक यू सो मच, आपने इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोअर्स करवा दिए, मतलब कि अपना काम भी किया था हमने, वर्क हार्ड किया था, 2.5 साल की मेहनत. हमारे साथ कौन जा रहे, राहुल महाराज जी, और ऑल ब्लैक बने हुए सारे, मम्मी ब्लैक, पापा भी ब्लैक. ये बाय चांस हुआ है, प्लान नहीं किया था. एक और बंदा भी है, वो बाहर चला गया, शर्मा आ रहा है शायद, बाउंसर है ना. हाँ, हम सारे तगड़े होकर जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लेट है भाई. अब चलते हैं, रास्ते में से एक और बंदे को उठाना है. अब हम चलते हैं और दिखाते हैं, वहां पर आ चुके होंगे वैसे राज पारिक जी, और एंजॉय करना, लास्ट तक देखना. चलो चले. स्वागत कीजिए जयपुर से चलकर हमारे बीच में हाजिर बनाई
हमारी दीदी जी जोरदार तालियों के साथ, तालियों की आवाज नहीं आ रही। आइए साक्षी अग्रवाल जी फ्रॉम जयपुर, आइए हरियाणा में स्वागत करो इनका, इनको दिखा दो हरियाणा वाले कैसे स्वागत करते हैं। बोल हरे के सहारे की, और आइए जयपुर से आई साक्षी अग्रवाल जी ले ली मैंने आपके भाई से साक्षी अग्रवाल। देखो ये हरियाणा वाली जयकार लगे, बोल मेरी शिके। आइए सभी को बहुत बहुत बधाई पूरे करनाल को, पूरे मंडल को। बाबा श्याम आपके करनाल में आए, आप ऐसे ही बुलाते रहे बाबा को, और बाबा आपके करनाल में ऐसे ही आते रहे। बहुत बहुत बधाई आपको, जरा जोरदार ताली बजा दो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सर्वकारीषु सेवदा अरुधरलाल लंगूर वज्री देह दानव दलन। जय 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 हाथ जोड़ विनती करो, सुनियो जी महाराज, दास आ गयो शरण में, प्रभु राखो मारी श्याम श्याम जीवन प्राण, श्री श्याम भक्त जग में बड़े, मैं सबको करूं घाटों नरेश की, सच्चे दरबार की, हरे के सहारे की, राज के। सभी का सुना हुआ भजन है और सबको आता है, सब मिलके बोलेंगे क्या कि कलयुग में डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है, दोनों देव महान है, एक बाबा श्याम है दूजे हनुमान है, एक बाबा श्याम है दूजे हनुमान है, हो एक बाबा श्याम है दूजे हनुमान है, एक बाबा श्याम दूजे हनुमान। क्या बात, आओ जरा दोनों हाथ उठा के दूजो बुलाएगा बालाजी महाराज को दरबार में, एक भी हाथ नीचे नहीं रह जाए, पूरे पूरे हाथ खोल कर ताली बजा। एक बाबा श्याम है दूजे हनुमान है, एक बाबा श्याम है दूजे हनुमान है, दोनों की है दोनों की है।
छोटा हाथ में छोटा हनुमान की पहचान है। चलते चलते अब तक ले
के चरणों में और करण की भूमि करनाल जिसमें प्रतिदिन यहाँ के श्याम प्रेमी बाबा श्याम को खाटू से यहाँ बुलाते रहते हैं, आप सबका कल्याण होता रहता है। और आज फिर पुनः बाबा श्याम हमारे बीच में खाटू से चलकर आए हैं, आप सबको आशीर्वाद। राम कृष्ण की प्यारी मैया सारे जग की माता है, धर्म अर्ध करु काम मोक्ष की माता भाग्य विधाता है, धर्म अर्ध करु काम मोक्ष की माता भाग्य विधाता है। सभी गौ सेवक बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, भूकंप गए गाय की गाथा, अति त्रास अति जस जैसा, जादिन धेनु धरा न रही, तादिन धरा रसरस तल गई। अगर पृथ्वी पर गाय नहीं तो ये पृथ्वी भी नहीं। इसीलिए और गाय माता की सेवा सबसे पहले कहाँ हुई? नंद गाओ तो कुल बरसाना, नंद गाओ तो कुल बरसाना, गौ से शोभा पाता है, गौ से शोभा पाता है। और भगवान श्री कृष्ण और श्याम की कृपा कब मिलेगी? जो करे गौ सेवा को, जो कृष्ण को वो ही पाता है।
आपके लाखों मंदिरों में हमारी प्रतिमाएं जिनकी हम पूजा करते हैं जयपुर से ही बनकर आती है। भगवान श्री राम अयोध्या में राम मंदिर बनना है, सबको बधाई। इसीलिए कहूंगा मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुख दशरथ अजर बिहारी। Thank you.
कौन अपने हैं बाबा की जो अपने जरा ताली
Yeah.
राधे 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 जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में है, विदेशों में भी श्याम बाबा की कृपा से गूंजता है। अभी बहुत कम समय में इन्होंने श्याम बाबा के चरणों में वो दर्जा हासिल किया जिस दर्जा को हासिल करने में लगभग सालों लग जाते हैं। तो ये जोरदार तालियों के साथ इनके लिए की बात कहूंगा मैं कि कला की दुनिया में वो हस्ती महान होती है जिस पर माँ सरस्वती स्वयं मेहरबान होती है। जोरदार तालियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय पार्श्व भजन गायक जिन्होंने हमारे हिंदू समाज का नाम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जोरदार तालियों के साथ बड़ी बुलंद आवाज के मालिक श्याम लाडले आदरणीय श्रीमान राज पार्टी कोलकाता। आइए जोरदार तालियों के साथ और अब कोलकाता की ओर से एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक, दिल से मैं बहुत बड़े फैन हूं, जोरदार ताड़ियों से स्वागत कीजिएगा। मिले के सवार की सच्चे दरबार की, कोई भी बिना किसी कारण के खड़ा ना दिखाई दे दरबार में। माताओं बहनों से स्पेशली रिक्वेस्ट है, करनाल की ये प्यारी धरती जहाँ पर बाबा श्याम का ये पावन दरबार लगा है, कुछ भी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि जिन भी कार्यकर्ताओं ने आज के इस कीर्तन में योगदान दिया तन मन धन से, उन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि बाबा जिनको निमित्त बनाता है वो अपने आप में बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं। कई ऐसी धरतियां हैं न जाने कितने सालों से इंतजार कर रही है कि एक कीर्तन हो जाए बाबा का, करनाल में तो न जाने कितने कीर्तन हो रहे हैं बाबा के, वो शाम प्यारे बहुत नसीब वाले लोग हैं आप सभी की। आपको बाबा ने आज न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है, आपको लगता है कि अगर आप आए हैं अपनी मर्जी से तो शायद आप बहुत बड़े गलत फहमी के शिकार हैं। बाबा के दरबार में कभी आप अपने मन से नहीं आते,
बाबा आपको बुलाता है, आपको आवाज देता है और आपका सौभाग्य होता है तो आप दरबार में पहुंच पाते हो, वरना अच्छे अच्छे लोग तैयारी करके रह जाते हैं और लास्ट मौके पर कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं पहुंच पाते। खाटू जाते समय कई बार होता होगा ना, एकदम तैयारी कर ली, लास्ट मौके पर एंड मौके पर कुछ हुआ, नहीं पहुंच पाए। और कई लोग ऐसे कि लास्ट मौके तक पता ही नहीं है कि जाना है, गाड़ी में एक बंदे की सीट खाली है, बिठा लिया, लेकर चला गया, बाबा के दर्शन हुए। वो शाम नसीब वाले लोग हैं, सांवरे की महफिल को सांवरा सजाता है और किस्मत वालों के घर शाम आता है। पर शाम प्यारे की भाई कीर्तन की शुरुआत करेंगे एक बार बुलंद जयकार के साथ, दोनों हाथ सीधे समर्पण की भावना से हाथ ऊपर इसलिए करें, ये बताएं बाबा की, बाबा जो मेरा वो सब कुछ, जो मेरा वो सब कुछ, जो मेरा वो सब कुछ, पर हारे के सहारे की जय, सच्चे दरबार की श्रृंगार जितना सुंदर लग रहा हो एक बार उतने ऊंचे हाथ खड़े करो, जितना सुंदर श्रृंगार एक बार उन हाथों के लिए, उन नसीब वाले हाथों के लिए जिन्होंने बाबा को सजाया है, एक बार सम्मान में बजाना था जोरदार। हमेशा हम भक्तों के सर पे हाथ, बहुत जाता है सर पे हाथ, बहुत
कोई भी आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये विश्वास जिसको हो सिर्फ उसके हाथों पर हो। और ताली हमेशा
भक्तों पे रहे हमेशा हम भक्तों पे रहे हमेशा हम भक्तों पे रहे हमेशा हम भक्तों पे सर पे हाथ तुम्हारा। मुझे किसी ने बहुत साल पहले कहा था 2016 में मैं पहली बार आया था फर्स्ट टाइम हरियाणा। उस साल मुझे किसी ने बोला था, बोला भाई हरियाणा में ना ये जो भाव वाले भजन होते हैं ना ये सुनते नहीं है लोग। 2016 में बोले ये जो मीठे मीठे भजन होते हैं ना बाबा को नहीं जानने वाले हरियाणा में जाने। बस सच बताऊं जब मैं पहली बार आया ना ये बात ऐसी फ्लॉप हुई कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हरियाणा की धरती पर जितने भाव सुने जाते हैं उतने तो कहीं नहीं सुने जाते। जितने भाव से हरियाणा में गाया जाता है उतना तो कहीं नहीं गाया जाता। आप लोग खड़े इसलिए हो रहे हैं आप सुना की जाना है, कहाँ जाना है, दूसरा कीर्तन है करनाल में, कहाँ हो रहा है। अच्छा चलो जैसी आपकी मर्जी। आओ जरा एक बार दोनों हाथ उठाना और मेरे साथ बोलना कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात, बाबा आज ताने आनो है, कीर्तन की है रात, अरे कीर्तन की है रात, बाबा आज ताने आनो है, अरे तो Thank you.
दरबार से आप जो भी मांगोगे वो लेकर जाओगे, एक गारंटी है। लेकिन गाना बनेगा साथ में, पापा तैयार है मेरे साथ गाने के लिए। एक बार दिल से बोलना, शाम से मोर छड़ी पर विश्वास रखता है, सिर्फ सीधे हाथ कर लेना और बोलना, मेरा हाथ करे मोर छड़ी।
स्पेशली करनाल वालों के लिए आया है, आज स्पेशली आप लोगों के लिए आया है, खास करके हम लोगों के लिए आया है। आप गाओगे तो आपकी तस्वीर बन लेगा, एक बार बोलना पापा मोर चढ़ी लहराओ, पापा मोर चढ़ी लहराओ। अच्छा दिखा दो तो पापा को कैसे लहराती है मोर चढ़ी, दिखा दो जरा। हे पापा हाथ फिरा रहा होगा, मैं उठा दो हाथ एक बार सेवा में मिलाना ताली, जिसकी घर का
मैं चिंता
चिंता फिकर फिर क्या की ये खटुआड़ा है जब मारे सागे और लेने देने को हिसाब रखे हाथ में जनाब लेने देने को हिसाब रखे हाथ में जनाब ओ मेरी रोकड़ रोज बुलावे जी बुलावे ये कारोबार मेरो सामने चलावे मेरी बैलेंस शीट का पोही कितने लोग बाबा की कृपा है कितने लोग तालियां बजा कर सेवा करने लगे।
Oh,
Thank you.
ये जो पिक्चर खींची है ना आपने, इसे फेसबुक पर डाल दो, आपके साथ साथ लाखों करोड़ों शाम प्रेमियों को भी दर्शन हो सके। प्रेमियों कुछ गाना मत गाना, इन लाइनों को गाना। जब जब प्रेमियों पे उठा सवार, बाबा तेरी मोहर छड़ी लहरा, जीना 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 रे उड़ा गुना, श्यामा तेरी मोहर तूने साथ साथ मेरा छोड़ा, मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा, तूने साथ तूने साथ मेरा छोड़ा मेरा दीवाना तेरा मर जाएगा, तूने हाथ तूने मेरा छोड़ा दीवाना तेरा। और एक बात और याद रखना बाबा, मर जाएगा श्याम बाबा। ये जो आंखों के आंसू है ना, ये यूं ही नहीं आते, हमें पता है कि दुनिया हमें देख रही है, मुस्कुरा कर आते हैं दरबार में, मगर क्या करें आपके सामने आंसू छलक पड़ते हैं सेठ। इन आंसुओं की लाज आपको रखनी है, इन आंसुओं का मान आपको रखना है, इन आंसुओं की बात आपको रखनी है बाबा। सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे, तेरे भावों का उपहार, तेरे भावों का उपहार बाबा को चढ़ा दे, बाबा को चढ़ा, सांसों का बना के हार बाबा को चढ़ा दे। सुना है दर पे तेरे हमेशा धर्मी आते, आज पापी आया है शाम का है घबरा दे, आज पापी आया जो दिखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन देखा आपना मुझसे बुरा। लेकिन बाबा एक बात और है, यहां ना कोई अदना है ना कोई आला है, और आप नहीं देखते आपके सामने आने वाला कौन गोरा और कौन काला। हमने सुना है तेरी नजर में सब है एक समान, अजी सब है एक समान, इसका पता तो आज चलेगा, तुम ना सुनो हाँ तुम ना सुनो सुनेगा। एक अंतरा मेरा बहुत पसंदीदा है इस भजन का, सुना है हमने सबसे खेवैया एक ही है, बोलो सुना एक ही है, छान ली सारी दुनिया कन्हैया एक ही है, छान ली सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अब की पारी, दोनों हाथ जोड़कर बोलना, अब की पारी लगा दो, अब की पारी लगा दो, मानूंगा एहसान तेरा मानूंगा एहसान, हमको किनारा कैसे मिले, सुनोगे सुखो सुनेगा तेरी छोटी छोटी बात।
अड़ पाए मुझको लम्हा लम्हा तेरी याद आपसे प्रेम किया बाबा समझ नहीं आया हमने किया नहीं हमसे हो गया प्रेम और क्या है ये क्यों है ये क्या खबर हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है तुमसे मिलना बातें करना क्या है ये क्यों है ये क्या खबर मगर जो भी है ये जो आप लोगों की सरल भावना है ना ये सीधापन ये भोला मारवाड़ी में कहावत है भोला को शाम रुखाड़ो भोला को शाम रुखाड़ो भोला पर हमेशा रहना चाहिए खाटू जाने पर पॉलिटिक्स इतनी हो गई है कि इंसान जाता है दर्शन करने के लेकिन सारी बात की चीजें करके आ जाता है दर्शन छोड़कर एक इंसान गया मंदिर में घुसा बाबा को देखा दर्शन करके बाहर आया उसके साथ एक आदमी और था बोला मुझे दर्शन नहीं हुए भाई साहब दर्शन कैसे होंगे जब सारी इधर उधर की चीजों में आपका ध्यान होगा तो दर्शन कैसे होंगे जब ध्यान सिर्फ बाबा पे होगा तो होते हैं दर्शन खाटू जाना दर्शन पाना कीर्तन में आना भजन सुनाना भजन सुनाना ताली बजाना भजन सुनाना जयकारे लगाना माल वालों सच बोलूं आप लोगों का पता नहीं लेकिन मैं धन्य हो गया आप जैसे भक्तों के बीच कीर्तन कर और पता नहीं न जाने हरियाणा की धरती को क्या वरदान है जितनी बार मैं इस धरती पर कीर्तन करता हूं जितनी बार उतनी बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि सच में साक्षात वो खाटू से आप लोगों के लिए समय निकाल कर आता है बैठता है भैया इसे पांच महीने कर लीजिए चार घंटे पांच घंटे कीर्तन करके भी अगर इंसान कुछ ना ले पाए दरबार से तो उसमें बाबा का दोष नहीं है उसमें हमारे मन का दोष है कुछ लोग पांच घंटे में भी कुछ नहीं ले पाते कुछ दो मिनट में बाबा के दरबार से पूरा खजाना लूट लेते हैं हजारों बार देखा हजारों बार सजते आपने अरदास मांगी बाकी बाबा पे छोड़ दो अब एक बात आज राजपारी कहकर जा रहा है आपको जीवन में गांठ बांध लेना इस बात की सुनना मेरी बात जब जब बाबा के श्रृंगार का भजन हो जब जब कीर्तन में आपका मकसद होना चाहिए कि श्रृंगार के भजन में आप झूम झूम के तालियां बजाकर गाओ क्योंकि मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है श्रृंगार के भजन में जो जितना अच्छे से बाबा का श्रृंगार का भजन गाता है बाबा भी उतने अच्छे से उसकी जिंदगी सजाता है उतने अच्छे से अगर आपने श्रृंगार का भजन जम के गाया तो वो भी आपके जीवन का श्रृंगार करेगा कौन कौन तैयार है श्रृंगार का भजन गाने के लिए और एक बार झूम के गाना हजारों बार देखा है हजारों बार सजते हो हजारों बार देखा है हजारों बार सजते हो मगर क्या बात है सबके आज लगते हो मगर क्या बात है
ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है भक्तों का तो दिल लगता है, ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। अच्छा, करनाल में इसके बाद भी कीर्तन होगा? होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा वैसे कैथल कितनी दूर है उसे? 60 ही है क्या? कल कैथल में कीर्तन है, अगर आज कोई कमी रह गई हो, कोई भजन मिस हो गया हो, तो कल आप सभी भक्त कैथल में आमंत्रित हैं, जरूर से जरूर पधारे। फुल खाटू नरेश की आज है, हाँ आज है, हाँ आज है, आज मेरा बबे दर लगता है, हर साल के लोग की नचने दे। अच्छा, पापा ने दरबार लगाया, पापा ने दरबार लगाया, अरे अच्छा अच्छा, कल का भरोसा नहीं आपको? 23 कल कैथल के बाद ही कोई कमी रहे तो 16 दिसंबर को राज भी यही यही मिलेंगे हमारे। 16 दिसंबर कौन सी? हाँ ठीक है ठीक है, आज मेरे को लगा पीछे जाना पड़ेगा। बाबा ने दरबार लगाया, बाबा ने दरबार लगाया, बाबा ने दरबार लगाया, अरे मैनू नच लैण दे। अब देखो, ना मैं हाँ में हूं ना मैं ना में हूं, आपकी मर्जी, जिसको झूमना हो वो मिलकर खड़ा होकर झूमे एक बार मेरे साथ। पप्पा ने Oh,
बाबा की नजर कितने उतारेंगे, जितने लोग बाबा की नजर उतारेंगे वो हाथ उठ गए, बोलो मेरे साथ, करे जोर मेरो चाले हीरा मोता से नजर भगवान भी है श्रीपति रामचंद्र
गाइस हमें मिला है श्रृंगार में से ये कुछ फूल माला। मम्मी को भी मुझे देखो सारे फूल मिले, सारे मुकुल को भी मिला है, मुकुल को बहुत सारे बहुत सारे। अब इनको घर लेकर जाएंगे, हम इनको सुखाएंगे। आप इस व्लॉग यहां तक पहुंचे हो हाँ सही बात है, यहाँ तक पहुँचे हो तो आप तो यू आर लकी। सबसे लास्ट में चले गए ऐसे करके तो फिर आप लकी नहीं हो, सारा फिर भी आप लकी हो, फिर आप स्मार्ट लकी हो। एक मिनट ये रख, क्या रख, कहाँ रखूँ, रखते हैं सचिन सैनी माउस। यहाँ पर अच्छे आ रहे हैं एकदम, देखो कर लो साफ कर लो। इधर दोनों साइड बहुत बहुत बढ़िया। तो गाइज आई होप ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सबके साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, बाय बाय। आपको भी हम खुशबू पहुंचाते हैं, रुको देखा मेरे को फोटो लेना है।